हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं कि फेस्टिवल अप्रोप्रिएट हॉल होने वाला है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, रक्षाबंधन, हरतालिका, तीज, तो उसके अप्रोप्रिएट ही मैंने सारा कलेक्शन रखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलेक्शन पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो ब्यूटीफुल सी साड़ी मैंने वियर कर रखी है, ये भी बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है। बांधनी पैटर्न लवर है, तो आपको डेफिनेटली अगला पीस पसंद आने वाला है। और मैं आपको दिखा पा रही हूँ वो इमेज जिसको देख के मैंने ब्यूटीफुल सी साड़ी ऑर्डर करी थी। साड़ी स्क्रीन पे बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी इसको ओपन करके देखते हैं। तो साड़ी जो है वो आपको सीक्वेंस वर्क में मिल जाती है। बहुत प्यारा सा इसका काम आपको मिलता है, मतलब सेम कलर का ही सीक्वेंस वर्क आपको ग्रीन कलर की साड़ी पर मिल जाता है। क्योंकि इस तरह के फंक्शंस में हम ग्रीन कलर ही पेयर करना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मोस्टली कलेक्शन ग्रीन और रेड का ही रहे। आपको दिखा पा रही हूँ काम की फिनिशिंग बहुत सुंदर है। जो सीक्वेंस वर्क का काम दे रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी का आपको मिल जाता है। ये पूरा ही इसका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है, जो कि आपको बहुत प्यारे से सीक्वेंस वर्क के साथ मिलता है। तो यहाँ से इसका टकिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। पूरी साड़ी आपको सेम टाइप के सीक्वेंस वर्क के साथ मिलती है, मतलब पूरी साड़ी जो है वो आपको भरे हुए सीक्वेंस वर्क के साथ मिल जाती है। कहीं से भी साड़ी खाली रहने वाली नहीं है। जैसे ही लाइट पड़ेगी साड़ी पे बहुत प्यारी सी शाइन आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल झिलमिल वाली साड़ी है, फेस्टिवल अप्रोप्रिएट साड़ी आपको मिल जाती है। और पूरा एंड तक आपको काम मिलता है, जितना कपड़ा आप अंदर फोल्ड करेंगे बस वही खाली रह जाता है। और आपको ब्लाउज पीस भी मिलता है इस साड़ी के साथ, जो कि प्लेन ग्रीन कलर का मिल जाता है। आराम से आपकी हाफ पीस बन जाएंगी और स्लीवलेस बन जाएंगी, इतना फैब्रिक आपको ब्लाउज पीस का मिल जाता है। फैब्रिक की क्वालिटी सॉफ्ट है, स्टिच करवा सकते हैं, ऐसी क्वालिटी आपको फैब्रिक की मिलती है। तो आगे की तरफ इतना प्यारा सीक्वेंस वर्क है, तो पीछे से आपको कोई भी थ्रेड वगैरह निकला हुआ नहीं मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। फैब्रिक की क्वालिटी आपको बहुत औसम मिलती है। दिन भर वियर करेंगे तब भी साड़ी आपको अनकंफर्टेबल रहने वाले फैब्रिक में नहीं मिलती है। बहुत प्यारा सा पीस है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड पीस है। रीजनेबल अमाउंट में आपको अच्छी मटेरियल क्वालिटी मिल जाती है। अब मैं आपको उसको स्टेप करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने का पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पीस भी ग्रीन कलर में ही है, और मैं आपको सबसे पहले इसका आंचल वाला पोर्शन दिखा देती हूँ। तो आंचल वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा औसम काम के साथ आपको मिलता है। काम की फिनिशिंग आप देख पा रहे हो, क्योंकि जरी का जो काम किया गया है ना वो भी अच्छा है, और ऊपर से मिरर जो है वो चिपकाए हुए हैं। ऊपर से जो मिरर चिपकाए हुए हैं उसकी वजह से साड़ी का ग्रेस बढ़ गया है। ये पूरा ही इसका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है, जिसपे आपको अच्छा जरी वर्क मिल जाता है। यहाँ से इसका टकिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, तो नीचे आपको पूरे इसमें ही ये पूरा काम मिलता है। अच्छा जरी वर्क आपको प्लेटेड वाले पोर्शन में मिल जाता है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाला है, तो फेस्टिवल में अगर आप दिन भर वियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत प्यारा सा फैब्रिक रहने वाला है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेंथ में कोई कमी मुझे तो नहीं लगी है। और पूरा एंड तक आपको काम मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। काम की फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है। आगे इतना प्यारा काम है, लेकिन पीछे से कुछ भी काम आपको निकला हुआ नहीं मिलता है। थ्रेड का काम आपको पीछे से भी अच्छा मिल जाता है। और आपको मैं एक बार मिरर और जरी का काम पास से दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाइड पीस आपको मिल जाता है। और अंदर जो कपड़ा फोल्ड करेंगे बस उतना ही बच जाता है, बाकी पूरे काम के साथ साड़ी आपको मिलती है। कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में ब्लाउज पीस मिल जाता है, आपको गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसपे लेस भी दे रखी है, जिसको अपनी स्लीव्स पे अटैच करवा सकते हैं। फैब्रिक अच्छा है, हाफ स्लीव्स आराम से बन जाएगी, इतना फैब्रिक आपको ब्लाउज पीस का भी मिल जाता है। तो रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई पीस मुझे तो लगा है। अब मैं आपको उसको स्टैच करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस आपको कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो इस बार तीज में अगर आप बहुत प्यारा सा और अफोर्डेबल रेंज का पीस ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट पीस आपके लिए ही होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। ब्लाउज पीस बहुत सुंदर आपको मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। पूरा जरी का काम आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा सुंदर जरी का काम आपको मिल जाता है। और इन सब के एक्टिव कलर आपको क्लियर हो जाए, इसमें सारी शूटिंग नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरे पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। आप काम की फिनिशिंग देख सकते हैं कि आपको बढ़िया काम की फिनिशिंग मिल जाती है। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, वियर कर सकते हैं, बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट काम,
और कलर आपको मिलता है। आराम से आपकी एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स बन जाएंगी, इतना फैब्रिक आपको मिल जाता है। और इस तरह की एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं अगर आप अपनी साड़ी के साथ इसको स्टाइल करते हैं। और अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, तो साड़ी भी आपको बहुत प्यारे से काम के साथ मिल जाती है। इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काम की फिनिशिंग में आपको एक बार पास से दिखा दूँ कि जरी का जो काम कर रखा है लेस वाले पोर्शन में वो बहुत प्यारा है। बांधनी बंदेज पैटर्न लवर है, तो डेफिनेटली पीस आपके लिए ही होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी साड़ी जो है वो आपको चुंदरी बांधनी पैटर्न के साथ मिल जाती है। इस तरह के पीस बहुत सुंदर लगते हैं जब आप फेस्टिवल्स में इनको वियर करते हैं। कलर बहुत सुंदर है, ये पूरा इसका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है, यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो प्लेटेड वाले पूरे पोर्शन में आपको लेस का काम मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। लेंथ बहुत अच्छी है साड़ी की, लेंथ में मुझे कोई कमी नहीं लगी है। अगर आपकी हाइट 5'6" है ना, तभी साड़ी आपको छोटी पड़ने वाली नहीं मिलती है। और मैं आपको दिखा दूँ कि बस इतना कपड़ा ही आपका रह जाता है जिस पे लेस नहीं मिलती है, बाकी पूरे पे आपको एंड तक लेस मिल जाती है। क्योंकि बहुत बार आके कमेंट आते हैं कि पीछे से साड़ी खाली तो नहीं रह जाएगी, नहीं साड़ी बिल्कुल भी खाली रहने वाले काम के साथ आपको नहीं मिलती है, पूरी भरे हुए काम के साथ आपको साड़ी मिल जाती है, एंड तक साड़ी काम के साथ मिलती है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है मुझे, बिल्कुल आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में पीस आपको मिल जाता है। इसको मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। क्योंकि इस टाइम वेदर बड़ा ही ह्यूमिड है, इसलिए हम प्यारा सा फैब्रिक ही पहनना वियर करते हैं जिसमें गर्मी ना लगे और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगे। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, इस साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब आप अगर इसको दिन भर भी फेस्टिवल्स में वियर करोगे ना, तो साड़ी आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल लगने वाली नहीं है। काम की फिनिशिंग आपको अच्छी मिल जाती है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत प्यारी है, और ग्रीन कलर पर वाइट कलर का काम जो है वो बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा है। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ तक पूरा आपका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है, यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। नीचे प्लेटेड वाले पूरे पोर्शन में आपको यही सिल्वर कलर का काम मिल जाता है, ये छोटे वाले डायमंड स्टोन की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। डार्क ग्रीन कलर है, इसलिए मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा आ रहा है, पर साड़ी का फैब्रिक बहुत प्यारा है। डार्क ग्रीन कलर पे वाइट कलर का काम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेंथ बहुत अच्छी है, अगर आपकी हाइट 5'6" है तब भी साड़ी आपको छोटी पड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और मैं आपको दिखा दूँगी पूरा एंड तक आपको काम मिल जाता है, ये जो कपड़ा आप अंदर फोल्ड करेंगे ना बस उतना ही बच जाता है, उस पर भी आपको पाइपिंग तो मिल ही जाती है। और आपको ब्लाउज पीस मिलता है 0.8 मीटर का, आराम से आपकी एल्बो लेंथ तक स्लीव्स बन जाएंगी, और उस पर भी आपको काम दे रखा है जिसको अपनी स्लीव्स पर अटैच करवा सकते हैं। काम की फिनिशिंग बहुत प्यारी है, फैब्रिक बहुत प्यारा है, तो रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई पीस आपको मिल जाता है। साड़ी को मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि काम की फिनिशिंग कितनी ज़्यादा प्यारी है, ये जरी का सारा काम जो है उसकी वजह से ब्लाउज पीस का क्रेज बढ़ गया है। 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है, तो आराम से आपकी हाफ स्लीव बन जाएंगी। काम बहुत प्यारा है, फैब्रिक भी बहुत प्यारा आपको मिल जाता है। तो आइए मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो साड़ी आपको पूरी ही बंदेज पैटर्न पे मिलने वाली है, ग्रीन कलर की साड़ी है, पर इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका आंचल वाला पोर्शन रहने वाला है। काम की फिनिशिंग आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि बढ़िया मिल जाती है, ये पूरा इसका बॉर्डर जो है वो जरी वर्क का मिलता है, मतलब प्रिंटेड पैटर्न नहीं है, जरी वर्क पूरा आपको इस वाले बॉर्डर पे मिल जाता है। ये आंचल वाला पूरा पोर्शन आपको अच्छे बंदेज पैटर्न के साथ मिल जाता है। आपको साड़ी की लेंथ आपको बहुत अच्छी दे रखी है, उस पर भी आपको पूरे पे बंदेज पैटर्न मिलता है। लेंथ में मुझे कोई कमी नहीं लगी है, फैब्रिक भी ऐसा है जिसको आप दिन भर वियर कर सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको साड़ी का मिल जाता है, कंफर्टेबल सा फैब्रिक है। अगर आपकी हाइट 5'6" है, साड़ी आपको बिल्कुल भी छोटी रहने वाली नहीं मिलती है, बहुत लंबी चौड़ी सी साड़ी आपको मिल जाती है। प्यारा सा काम है, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको काम की फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है। अब मैं आपको उसको वियर करके दिखा रही हूँ, तो साड़ी परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में मिलती है। फैब्रिक की क्वालिटी रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाइड है,
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये पीस कैसा लगा है पहनने के लिए। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो आपको बहुत ही सुंदर सी साड़ी स्क्रीन पे दिख रही थी, वैसी ही साड़ी आपको मिल जाती है। ये इसका आंचल वाला पोर्शन रहने वाला है। काम की फिनिशिंग आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा ऑसम क्वालिटी की काम की फिनिशिंग आपको मिलती है। पर्ल्स की डिटेलिंग बहुत प्यारी है। लेस पे जो जरी वर्क है वो भी बहुत सुंदर है। साड़ी भी बहुत प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, मतलब बिल्कुल फेस्टिवल रेडी कलर आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये पूरा इसका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है। यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और जो आपका प्लेटेड वाला पोर्शन है ना उसमें कितना ज़्यादा ऑसम काम आपको मिलता है। ये पूरा थ्रेड का वर्क है और नीचे लेस का काम और पर्ल की डिटेलिंग बहुत प्यारी मिल जाती है। फैब्रिक की क्वालिटी ऐसी है ना, दिन भर वियर करेंगे तब भी अनकम्फर्टेबल रहने वाला फैब्रिक आपको नहीं मिलता है। लेंथ बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत प्यारा है और पूरे प्लेटेड वाले पोर्शन में आपको काम मिल जाता है। काम की फिनिशिंग एक बार आप पास से देख लीजिए कि आपको अच्छी क्वालिटी की काम की फिनिशिंग मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि लेस का काम भी आपको पूरा एंड तक मिलता है। यहाँ से जो कपड़ा आप अंदर फोल्ड करेंगे बस उतना ही रह जाता है और ब्लाउज पीस आपको कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। तो पिंक कलर का ब्लाउज पीस आपको दे रखा है, कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन के साथ साड़ी बेहद खिल के आने वाली है। स्लीव पे लगाने के लिए भी आपको काम दे रखा है जो कि अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ। इतनी लेंथ की लेस मिल जाती है कि आराम से आपकी स्लीव पे आ जाएगी और वही सेम लेस मिलती है जो कि आपको पूरी साड़ी वाले पोर्शन पे मिल गई। साड़ी को मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं आप साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको यह पीस कैसा लगा। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसी साड़ी दिख रही थी वैसी ही हमें मिल जाती है। पूरी साड़ी लहरिया बांधनी पैटर्न पे होने वाली है। इसका आंचल वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये सारा ही काम जो है वो बहुत सुंदर गोटा पत्ती की लेस का काम मिल जाता है आपको जो कि इसके आंचल वाले पोर्शन में मिलने वाला है। साड़ी का फैब्रिक आपको बहुत प्यारा मिलता है, दिन भर वियर कर सकते हैं, फेस्टिवल्स में ऐसा फैब्रिक आपको मिल जाता है। तो ये पूरा इसका पल्ले वाला पोर्शन है जिसपे आपको पूरे में लहरिया बांधनी पैटर्न का प्रिंट मिल जाता है और आपको बहुत ही प्यारा सा लेस का काम भी मिल जाता है। यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही प्यारे से वर्क के साथ आपको मिलता है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सुंदर सा काम आपको दे रखा है। फैब्रिक आपको साड़ी का प्लेटेड वाले पोर्शन का अलग मिलता है और आंचल वाला पोर्शन है ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक का मिल जाता है। आप देख रहे होंगे लेंथ साड़ी की बहुत सुंदर है, बिल्कुल फेस्टिवल एप्रोप्रिएट कलर आपको साड़ी का मिल जाता है। लेंथ में कोई कमी मुझे नहीं लगी है, जो कपड़ा आप अंदर फोल्ड करेंगे उतना ही रह जाता है, बाकी पूरा एंड तक आपको गोटा पत्ती का काम मिलता है। काम की फिनिशिंग आप पास से देख सकते हैं कि आपको अच्छी दे रखी है। अब मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। तो आपको कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में ब्लाउज पीस मिलने वाला है, मतलब रेड कलर का ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है जिस पे आपको लेस दे रखी है जो कि आप अपनी स्लीव पे लगा सकते हैं और बैक पे भी लगा सकते हैं, पर लेंथ आपको स्लीव लाइक ही दे रखी है, इतनी ही लेंथ की लेस मिल जाती है। फैब्रिक आपको ब्लाउज पीस का भी सॉफ्ट मिलता है जिसको आप स्टिच करवा सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको मिल जाता है। साड़ी को मैं आपको सेल करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं पहली बार पीस कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साड़ी कॉम्पैक्टली आपकी बॉडी तक फिट हो जाने वाले फैब्रिक में मिल जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी साड़ी स्क्रीन पे दिख रही थी। इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो साड़ी मैं आपको पूरी ओपन करके दिखा देती हूँ, इन सब की अनबॉक्सिंग मैं आप सबके आप यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर करती रहती हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये इसका आंचल वाला पोर्शन है जिसपे आपको बहुत ही सुंदर सा पर्ल्स का वर्क मिलता है और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर आपको गोटा पत्ती की लेस का वर्क मिल जाता है। साड़ी आपको बहुत प्यारे से कलर में बिल्कुल आपके फेस्टिवल रेडी कलर साड़ी पे मिल जाते हैं। तो ये पूरा इसका पल्ले वाला पोर्शन रहने वाला है, यहाँ से टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और नीचे जहाँ पे आप प्लेट्स बनाएंगे ना वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा काम मिल जाता है, मतलब हैवी लेस वर्क आपको मिलता है, काम की फिनिशिंग आपको ऑसम मिल जाती है। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड पीस है,
आप देख सकते हैं रीजनेबल अमाउंट में आपको बढ़िया मटेरियल क्वालिटी मिल जाती है, लेंथ आपको बढ़िया मिलती है और साड़ी पे काम भी बहुत सुंदर मिलता है। फैब्रिक की क्वालिटी ऐसी है जिसको दिन भर वियर कर सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको मिल जाता है। काम की फिनिशिंग पास से देख सकते हैं तो आपको अच्छी काम की फिनिशिंग मिल जाती है। काम बिल्कुल एंड तक आपको दे रखा है, जो कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे बस उतना ही रह जाता है, बाकी पूरा एंड तक आपको लेस वर्क का काम मिल जाता है। कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में आपको उसका ब्लाउज पीस दे रखा है, मतलब कि ब्लू कलर का ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है, उस पर भी आपको लेस वर्क दे रखा है जिसको आप अपनी स्लीव्स पे अटैच करवा सकते हैं। लेंथ लेस की इतनी मिलती है कि आपकी स्लीव्स पे आराम से आ जाएंगी, हाफ स्लीव्स का ब्लाउज आराम से स्टिच हो जाएगा, इतनी लेंथ का ब्लाउज आपको मिल जाता है। फैब्रिक ब्लाउज पीस का भी आपको बढ़िया मिलता है। अब मैं आपको उसमें स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले का पीस कैसा लग रहा है। तो ये थी वो कुछ प्यारी सी फेस्टिवल रेडी साड़ियाँ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करी हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है, कौन सी साड़ी सबसे प्यारी लगी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह के और भी हॉल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर नए इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियोज को, नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।